हेलो फूड लवर्स, मैं हूँ कविता। मेरे कुकिंग चैनल कविता की रसोई में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं सूजी के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। आप सभी सोच रहे होंगे कि सूजी का हलवा तो हर किसी को बनाने आता है, इसमें नई बात क्या है। पर मैंने आज ये सूजी के हलवे को एक फ्लेवर के साथ बनाया हुआ है। मैंने आज पाइनएप्पल सीरा बनाया हुआ है। अगर आपको ये पाइनएप्पल सीरे की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और अब हम पाइनएप्पल सीरा बनाने के लिए चलेंगे किचन की ओर। गैस पर हमने कढ़ाई पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम घी डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब, और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, और जो बाकी का घी है बाद में यूज करेंगे। अब घी को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, गैस का फ्लेम हम स्लो कर देंगे। अब ये मैंने 200 ग्राम के करीब बारीक रवा लिया है, ये इसमें हम डाल देंगे, और रवा को हम अच्छे से घी में मिक्स करके लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। कंटिन्यू मीडियम फ्लेम पे हमने रवा को भुना हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो रवा है लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने रवा को एक प्लेट में निकाल दिया, और सेम कढ़ाई में हम ये पाइनएप्पल का पेस्ट डालेंगे। मैंने आधा पाइनएप्पल का पेस्ट बनाया हुआ है, इसका हार्ड पार्ट निकाल के साइड के पार्ट को हमने मिक्सर में पीस लिया है। इसको हमने कढ़ाई में अब डाल लिया है, और कंटिन्यू इसे हम चलाते रहेंगे। अब इसके अंदर हम शुगर ऐड करेंगे। मैंने 100 ग्राम के करीब शुगर लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब शुगर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पाइनएप्पल सिरप में। अब इसमें हम बारीक चॉप किया हुआ पाइनएप्पल डालेंगे। मैंने आधा पाइनएप्पल को बारीक चॉप कर लिया हुआ है। पूरा मैंने एक पाइनएप्पल को यूज़ किया हुआ है ये सीरा बनाने के लिए। अब ये बारीक चॉप किया हुआ पाइनएप्पल को भी हम मिक्स कर लेंगे, और इसे हम तब तक कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे कि जब तक हमारा जो पाइनएप्पल सिरप है वो गाढ़ा ना हो जाए, और जो पाइनएप्पल है वो सॉफ्ट ना हो जाए। गैस का फ्लेम मीडियम करके ही हमें इसे पकाना है। इसे हमने कंटिन्यू 4 से 5 मिनट चलाया हुआ है। आप देख सकते हैं जो पाइनएप्पल सिरप है वो गाढ़ा हो चुका है, और हमारा पाइनएप्पल भी है वो सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हमने जो भुना हुआ रवा है वो डालेंगे, और रवे को भी हम पाइनएप्पल सिरप में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और गैस का फ्लेम इस समय हम स्लो रखेंगे। रवा अच्छे से पाइनएप्पल सिरप में मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम केसर का वाटर डालेंगे। मैंने गुनगुने वाटर में थोड़े से केसर को आधे घंटे पहले भिगो के रख दिया था। केसर वाटर अच्छे से रवे के अंदर मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। मैंने 1.5 कप वाटर ऐड किया हुआ है। वाटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद है कि एक भी लम्स ना रहे, और गैस का फ्लेम हमें स्लो रखना है। वाटर अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं कि एक भी लम्स नहीं है। अब इसे हम कवर करके स्लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे कि वाटर अच्छे से रवे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हम हटा लेंगे, और एक बार हम पाइनएप्पल सीरा को फिर से चला लेंगे। आप देख सकते हैं कि वाटर अच्छे से रवे के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे। मैंने 5 से 6 इलायची को कूट लिया है, उसका पाउडर बना लिया है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। मैंने काजू और किशमिश लिया है, आप इसे बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। मैंने इस तरह से बड़े पीसेस में डाले हैं, और बाकी के काजू किशमिश गार्निश के लिए यूज करेंगे। और बाकी का जो घी था हम इसमें अभी यूज करेंगे। ऊपर से घी डालने से सीरे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। एक मिनट मैंने इसे कंटिन्यू इसी तरह से चलाया हुआ है। अब हमारा सारा सामग्री मिक्स हो चुका है, और हमारा पाइनएप्पल सीरा रेडी हो चुका है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे पाइनएप्पल सीरा की रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय।